हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इसमें मैं डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब तक हमने इस चैप्टर में बहुत अलग अलग चीजें देख ली थी परसेंटेज पे बेसिस पे। लास्ट क्लास में मैंने सेल्स टैक्स को भी एक्सप्लेन किया था कि सेल्स टैक्स क्या होता है, वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट है जो एक दो क्वेश्चन तुम्हारे शीट पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, करिस्पॉन्डिंग जो भी टेक्स्ट बुक्स है, तो वो तुम्हें अच्छे से करना है। उसको इतना सीरियसली मत लेना क्योंकि वो ज्यादा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि बस तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि सेल्स टैक्स क्या होता है, बस उसके लिए मैंने वो टॉपिक कवर किया है। उसके बाद एक नया टॉपिक आज अपन कवर करने वाले हैं जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें तुमने सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो टेंशन मत लेना, मैं दोनों ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो कंसेप्ट है यूजुअली हम लोग बैंक्स में ये लोग चीजें यूज करते हैं। ठीक है, सपोज अगर तुम एक सिनेरियो इमेजिन करो कि हम लोग कोई क्या सपोज पर्टिकुलर बैंक में जाके कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो एक साल के बाद वो अमाउंट डिपॉजिट वहीं पे रहता है, उस एक साल के बाद या फिर हाफ ईयरली के बाद या फिर कई बार 6 महीने के बाद या फिर कई बार एवरी मंथ। ठीक है, तो सपोज मान लेते चलो साल के बाद, सपोज एक साल के बाद उसकी वैल्यू जो देखते हैं हम लोग जाके, तो हमें उसका कुछ फायदा हमें मिलता है। इसलिए हम लोग जो भी लोग होते हैं वो यूजुअली बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं क्योंकि उसका इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि फायदा, कुछ फायदा मिलता है। जैसे कि सपोज तुमने 1000 रुपए भरे, ठीक है, तो बैंक कुछ एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तुम्हारा ऐसे बढ़ने वाला है। ठीक है, यूजुअली उसको मैं पर एनम हम लोग बोलते हैं कि डैश 10% पर एनम, 5% पर एनम, तो इस तरीके से उसको नाम दिया जाता है। तो हम लोग जब बैंक में सपोज मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, तो अगर वो 10% पर एनम दे रहे हैं और मैं एक साल के बाद गया तो मुझे कुछ 1000 उस पर और मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो जो फॉर्मूला है वो इससे निकलता है। देखो, मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया जिसमें मैंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा था, बैंक ने बोला कि मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और मैंने एक साल के लिए भरा है, टी टाइम पीरियड है, तो 1000 × 10/100, तो अगर वो निकालोगे तो तुम्हें 100 रुपीज मिलेंगे। तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब तुम्हारा अगर तुम एक साल में अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो 1000 रुपए, मतलब स्टार्टिंग में साल के इनिशियल में तुमने 1000 रुपए डिपॉजिट किए और तुमने एक साल तक उसको वैसे ही रखा और बैंक ने बोला कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका मतलब तुम्हें एक साल के बाद उस 1000 रुपए पे तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तरीके इंटरेस्ट के तौर से मिलेगा। यानी तुम्हारा टोटल अमाउंट एक साल के बाद हो जाएगा 1100 रुपीज बैंक के अंदर। तो देखो, जो भी हम लोग जो भी चीजें डिपॉजिट करते हैं वो हम लोग इंटरेस्ट के साथ, मतलब हमें फायदा होगा इसलिए डिपॉजिट करते हैं, और जो बैंक से हम लोग को उस बैंक से फायदा मिलता है। ठीक है, तो वो फायदा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल चीज है, जैसे नाम में ये देखो सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो इतना अमाउंट अपन डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वो अमाउंट इनटू रेट और कितने टाइम पीरियड तक रखा है। हो सकता है मैं 10 साल पे रखूं। ठीक है, सपोज मैंने कोई 10000 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है, बैंक में जाके, तो 10000 रुपए डिपॉजिट किए और मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और मैंने सपोज उसको 10 साल तक रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, 10000 × 10 × 10, क्योंकि 10 × 10 हो जाएगा 100, विच विल गेट कैंसल आउट विद द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बचेगा क्या मुझे, तो 10000 पे अगर मैं 10 साल तक रखता हूं तो मुझे उस पर भी 10000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन वो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10000 रुपए अभी डिपॉजिट करता हूं बैंक में, तो 10 साल बाद मुझे उस 10000 रुपए और 10000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका मतलब मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 20000 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा टोटल जो सेम प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा अलग चीज है, वो मैं आगे बताऊंगा, डिफरेंट चीज है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेसिक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, P × R × T/100, जहां पर P जो है प्रिंसिपल ऑफ मनी बोरोड। ये जो मैंने यहाँ पे बोरोड लिखा है, ये एक्चुअल में हम लोग सपोज अगर तुम बैंक की बात नहीं करते हैं, ठीक है, चलो हम लोग कोई दो लोग हैं जिसने एक ने बोरो किया, मतलब एक ने किसी से उधार लिया और एक कोई उधार दे रहा है, तो जो उधार ले रहा है उसको बोलते हैं बोरोवर और जो दे रहा है उसको बोलते हैं लेंडर। ठीक है, तो दो चीजें होती है, तो दो लोग आपस में ये बोरोवर लेंड का खेल खेल रहे हैं। तो सपोज दोनों ने अपने म्यूचुअल टर्म्स पहले रख लिए बीच में कि चलो मेरे को कितने टाइम तक चाहिए, चलो मैं तुम्हें अभी 10000 रुपए उधार दे रहा हूं,
ठीक है, तो मैंने तुम्हें 2 साल तक दिया, तो 2 साल के बाद मुझे मैंने चलो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तुम लोग आपस में वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो 5% रखे, 2% रखे, 1% रखे, 50% रखे, लेकिन कुछ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि चलो मैंने सपोज 2 साल के लिए तुम्हारे 10,000 रुपए उधार ले लिए और 2 साल के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट मतलब वही सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो मतलब मुझे 2 साल के बाद उसे कितना देना पड़ेगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट वापिस से 10% अगर रखा है दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके, तो 10% और 2 साल तक रखा है और 10,000 रुपए है, ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये पूरी चीज 200 रुपीज आएगी, मतलब 10,200 रुपए उसको 2 साल के बाद उसे देने पड़ेंगे, 10,200 रुपीज, तो उसको खुद के जेब से और 200 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यही खेल है वो इंटरेस्ट का खेल, ठीक है। जब दो लोग बोरो और लैंड का खेल खेल रहे हैं तो उनको म्यूचुअली डिसाइड करके कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम तक ले रहे और कितना पैसा ले रहे हैं, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, मतलब डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद ही वो अगर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट दोनों का बन जाता है तो उसके बाद 2 साल के बाद वो उसे अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो यूजुअली ये सिंपल इंटरेस्ट का खेल रहता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि तुम समझ सको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द बोरोवर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि बेसिक इंटरेस्ट निकालना है जो कि बोरोवर को पे करना है, जिसने लिया है उसे पे करना है, किसे पे करना है, तो लेंडर को पे करना है जिसने उसको दिया है, सच दैट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है प्रिंसिपल अमाउंट विच इज रुपीज 10,000 रुपीज, तो जो बोरोवर ने 10,000 रुपए उधार लिए लेंडर से इस बोरो फॉर 2 ईयर्स, तो टाइम पीरियड उसने दिया 2 साल के लिए बोरो किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आर जो है वो है 10%, ठीक है। तो देखो 10% पर एनम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पर एनम का मतलब क्या है, यूजुअली हम लोग परसेंट में पर एनम ही लिखते हैं, मतलब पर ईयर हर साल उसको 10% हिस्सा उसे देना पड़ेगा, तो पर एनम का मतलब पर ईयर होता है एनुअली, ठीक है। आर इक्वल टू 10%। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हो तो फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो देखो यहाँ पे पी कितना है 10,000 रुपीज, आर कितना है 10%, टी कितना है 2 साल तो 2, और नीचे में 100 लिखना मत भूलना। यूजुअली ये जो 100 है ये एक्चुअल में रेट ऑफ परसेंट का ही 100 है कि आर अपॉन 100, देखो यहाँ पे 10% था ना, तो इसलिए 10/100 लिखना है इसको ऐसे। एक्चुअली तुम चाहिए ऐसे डायरेक्टली अपॉन 100 भी लिख सकते हो, आर की जगह बस 10 डाल देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया, इसका मतलब उसे कितने रुपीज 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। देखो 2,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2 साल बाद, इसका मतलब उसको 10,000 रुपए तो वापस उसको लौटाने ही है, उसके साथ साथ उसको 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे, मतलब उसका जो इंटरेस्ट जो उस पर लगेगा वो आएगा 2,000 रुपए, मतलब उसको टोटल अगर कितना अगर मनी हमें अगर उसने पूछा होता फाइंड द टोटल मनी टू बी पेड, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो अगर टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद, तो उसको 10,000 प्लस 2,000 विच इज इक्वल टू 12,000 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, वैसे ही क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ई इज इक्वल टू पी प्लस आई, टोटल अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इस केस में सिंपल इंटरेस्ट है तो आई की जगह बस एस आई लिख दिया। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 और इंटरेस्ट कितना है 2,000 इस केस में, तो इसका मतलब उसको टोटल अमाउंट 2 साल के बाद उसको 12,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब कैसा इंटरेस्ट लगाने वाला है। सिमिलरली अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे जम करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तुमने पहले भी पढ़ा होगा तो ज्यादा मैं इस पर कुछ बता नहीं रहा हूं, मेन जो अभी तुम्हें समझना है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क क्या है कि दोनों बोरो और लेंडर डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम लोग कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि सपोज सेम केस लेते हैं कि 10,000 रुपए 2 साल के लिए बोरो किया है और 10% पर एनम है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा जो चीज लिखी है वो है कंपाउंडेड एनम। देखो मैंने एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन लिया है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड सच दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड फॉर 2 ईयर्स एंड 10% पर एनम। देखो एक्जैक्टली सेम, बट यहाँ पे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो देखो कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो ये लोग आपस में डिस्कस करके ये टर्म्स निकालते हैं कि चलो हम लोग जो कंपाउंड करेंगे जो इंटरेस्ट को वो एनुअली कंपाउंड करेंगे, एनुअली का मतलब ईयरली, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब देखो, इफ द बोरोअर एंड द बोरोअर एंड द लेंडर अग्री टू फिक्स अप अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो बोरोअर लेंडर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या फिक्स कर रहे हैं, तो एक और उन्होंने फिक्स किया कि कुछ एक सर्टेन एक टाइम फिक्स किया, वो चाहे तो टाइम ईयरली यानी एनुअली हो सकता है, ईयरली का मतलब एक ईयर यानी एनुअली हो सकता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो सकता है जिसको मैं सेमी एनुअली भी बोलता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ईयरली मतलब एनुअली, एनुअली हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली, ठीक है, सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ कि हाफ ईयर आधे ईयर के टाइम्स इंटरवल्स में उन्होंने सोचा, या फिर अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब वन फोर्थ, तो इसका मतलब इसको क्वार्टरली भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्वार्टरली। तो ये तीन चीजें हैं बेसिक है, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो ये समझ लेना, एक दोनों बोरोअर लेंडर आपस में एक म्यूचुअल टर्म में फिक्स कर रहे हैं कि वो जो कंपाउंड होगा इंटरेस्ट, वो जो इंटरेस्ट जो भी निकालेंगे, इस केस में देखो एनुअली इंटरेस्ट हम लोग कंपाउंड करने वाले हैं। एनुअली का मतलब क्या है कि देखो दो साल उसका टोटल टाइम स्पैन है, कंपाउंड एनुअली का मतलब क्या है कि हर साल जो उसका एंड, हर साल के एंड में जो उसका इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को अगले साल जो नेक्स्ट, देखो दो ईयर है तो दो इंटरवल ऑफ टाइम में स्प्लिट करना है कि पहला ईयर देखते जाओ, मैं यहां पे एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, सेकेंड ईयर के लिए भी अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में देखो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, बस हम लोग इन दो साल को अलग अलग एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का अलग इंटरेस्ट निकालूंगा और सेकेंड ईयर का अलग निकालूंगा, और उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, तो क्या ट्विस्ट है, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए तो 10,000 रुपीज, वो तो पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, वो भी दिया है, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम जो है वो दो साल मत ले लेना, यहाँ पे टाइम जो रहेगा वो फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो वन ईयर ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआईक्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये दो साल में बट रहा है, तो इसलिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर सीधा तुम यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई वन लिख दो, इंटरेस्ट आई वन मतलब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, यहाँ पे इसके इसमें टी की जगह क्या है, वन है, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टी को वन ले ही नहीं रहा हूं क्योंकि इंटू वन करोगे तो वैसे ही हो जाएगा, अपॉन 100, तो यहाँ पे दो जीरो गए, यहाँ पे दो जीरो गए, तो देखो कितना बन रहा है, 100 × 10 दैट इज रुपीज, 100 × 10 विच इज रुपीज 1000, तो ये बन गया हमारा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में उसको इंटरेस्ट 1000 रुपए का मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपए पे उसको 1000 रुपए मिल रहा है। अब कम अमाउंट क्या होता है, अमाउंट तो देखो वो होता है, हमने देखा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर का एंड में तुम चाहिए तो इसको A1 लिख सकते हो, ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर वन, तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट जो आएगा वो तुम्हें निकालना है, तो देखो कितना आएगा, प्रिंसिपल जो है 10,000 और इंटरेस्ट जो है वो है 1000, तो इसका मतलब A1 यानी अमाउंट कितना हो गया, रुपीज 11,000, सॉरी बिल्कुल रुपीज 11,000, तो इसका मतलब एक साल के बाद उसको जो अमाउंट पे करना होगा वो 11,000 है। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो क्या ट्विस्ट है कि हमने जैसे कि इसको दो साल में अलग अलग सालों में डिवाइड कर दिया, हम लोग अगर इसको भी यहां पे तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो तुम्हारे जो प्रीवियस साल का जो अमाउंट है फाइनल वो इस केस में तुम्हारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, तुम अगर दोनों साल को अलग अलग भी कैलकुलेट करोगे ना तो दोनों साल में तुमने प्रिंसिपल जो सेम माना है, इसलिए यहां पर देखो लिखा है, देखो सेम प्रिंसिपल, लेकिन यहां पर देखो सो दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल, तो जो भी इंटरवल बन रहा है जैसे कि एनुअली है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से एनुअली हर साल को अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूं, दो ही साल है, अगर यहां पे 10 साल होते तो तुम्हें हर एक साल को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है, उसके लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा लेकिन आगे भी पहले इतना समझो, तो जो इसका फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आ रहा है वो सेकेंड ईयर का जो वो प्रिंसिपल बन जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहने वाला है 10%, और अभी सेकेंड ईयर की बात करें तो एक और साल बचा है तो पूरे एक साल की बात होने वाली है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली, तो हर साल यानी हर बार टी तो वन ईयर ही रहने वाला है, ठीक है, फिर सेकेंड साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो भी देख लेते हैं, तो इस केस में प्रिंसिपल हो गया 11,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10, वही सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं, और टाइम तो वन ही है अपॉन 100, तो दो जीरो गए, दो जीरो गए, तो I2 बन गया हमारे पास रुपीज, देखो 1100,
1100 रुपीज। तो इसका मतलब तुम्हारा जो अमाउंट बचेगा सेकेंड साल के बाद तो वो कितना होगा, देखो पी प्लस आई टू, यानी प्रिंसिपल जो ये हमारा बना है इस केस में जो कि है 11,000 प्लस 1100, यानी अमाउंट जो सेकेंड ईयर के बाद उसको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा कितना, देखो 1,210, यानी 12,100 रुपीज उसे सेकेंड दूसरे साल के बाद उसको 12,100 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब देखो इस केस को कंपेयर करो और इस केस को कंपेयर करो, दोनों में से फायदा ज्यादा किसमें हो रहा है, मतलब किसको ज्यादा फायदा हो रहा है। इस केस में अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इस केस में देखो यहाँ पे उसको फाइनल अमाउंट 12,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, जबकि उसको यहाँ पे दो साल के बाद उसको फाइनल अमाउंट 12,100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उसको 100 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं जब उसने एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। यूजुअली एनुअली मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा क्या होता है कि कई बार जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड 2 साल दिया था, कई बार यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इंटरेस्ट पहले ही फेर मतलब पहले ही खत्म कर लेते हैं कि 2 साल के पहले सपोज मेरे पास अमाउंट आ गया, पहले साल में मेरे पास अमाउंट पूरा आ गया तो मैं सेकेंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग ऐसे कंपाउंड एनुअली में यहीं पे रुक के खत्म कर सकते हैं बैंक में, ठीक है, कि यहीं पे 11,000 रुपए दे दिया और खत्म कर दिया तो सेकेंड ईयर का तुम्हें पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि प्रॉपर वे से कि अगर हर साल में अलग अलग इंटरेस्ट कंपाउंड होने वाला है, यहाँ पे 2 साल दिए हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अगर 10 साल के लिए होता तो ऐसे 10 केसेस बनाने पड़ते, ठीक है। तो देख सकते हो हर साल में जो क्या होगा, हर साल के एंड में अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है तो हर साल के एंड में जो भी अमाउंट बनेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट साल का प्रिंसिपल, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सबके लिए प्रिंसिपल जो था हर साल के लिए प्रिंसिपल सेम था, लेकिन कंपाउंड में क्या है हर साल में प्रिंसिपल अलग होते जाएगा। जैसे कि अगर सपोज 3 साल की बात करते तो थर्ड ईयर में अगर जाते तो प्रिंसिपल जो हो जाता वो हो जाता 12,100 और उस पे इंटरेस्ट लगता, ठीक है। तो ऐसे हर साल चेंज होता रहता। सपोज मुझे सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली अगर उसमें कैलकुलेट करना बोलता हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता, ऐसे 4 केसेस बनाने पड़ते। 4 क्यों, क्योंकि 2 साल को तुम्हें हाफ ऑफ करके डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 2 साल में हाफ ईयरली 2 बार आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर 1 साल हो गया, थर्ड हाफ ईयर, फोर्थ हाफ ईयर 2 साल हो गए। तो इस तरीके से तुम्हें 4 केसेस डिवाइड करने पड़ते हैं और हर केस के अमाउंट जो हर केस में जो एंड में जो अमाउंट आ रहा है वो कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट वाले में उसका प्रिंसिपल हो जाता। ऐसे 4 केसेस बनते और इस तरीके से तुम्हारा सॉल्व हो जाता। तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे लूंगा। अब सोचो अगर मैंने यहाँ पे 10 साल लिया रहता तो तुम्हारा काम कितना डिफिकल्ट हो जाता, कि 10 साल अगर लेते तो यहाँ पे अगर जो इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें और कंपाउंडेड, सपोज 10 साल लेता यहाँ पे टाइम पीरियड 10 ईयर्स लेता और बोलता कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सोचो कितने केस बनाने पड़ते हर साल में। सेमी एनुअली का मतलब क्या है, हाफ ईयरली, कि हर साल को दो दो हिस्सों में डिवाइड करके कंपाउंड करना है। तो पहला हाफ ईयर, फिर सेकेंड हाफ ईयर, तो ये 1 साल हो गया। ऐसे तुम्हें दो दो केसेस जो है वो ऐसे 10 बार और करना पड़ेगा, तो टोटल 20 केसेस करने पड़ते और फिर कितना टाइम लग जाता सोचो। तो ऐसे जो 20 केसेस तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की नहीं जरूरत है, तुम्हें इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक फॉर्मुलेस बताऊंगा जो कि डायरेक्टली वैलिड होते हैं, कि तुम डायरेक्टली उसमें फॉर्मूला लगा लो तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। तो वो फॉर्मुलेस अपन नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। पहले ये होपफुली सबको दोनों को ये दोनों इंटरेस्ट, दोनों अलग अलग इंटरेस्ट क्या है ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो तुम लोग मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे अगर कोई डिफिकल्टी जा रही है, क्योंकि देखो मैंने जब पढ़ा था मुझे भी याद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहली बार में समझने में डिफिकल्टी जाती है, मैं समझ सकता हूं। तो अगर तुम्हें इसके बाद में अगर कोई भी डिफिकल्टी जा रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, तो तुम लोग बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। तो पहले इतना लिखो अच्छे से, तो मैं अभी कुछ फॉर्मुलेस बताऊंगा स्पेसिफिक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में तो एक ही फॉर्मूला है, देखो ऐसा है, और यहाँ पे तुम लोग अमाउंट को लिख सकते हो हर बार पी प्लस ऐसा है, ठीक है। तो ये 2 स्पेसिफिक फॉर्मुलेस है, इसी फॉर्मुलेस को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से प्रॉपर, जो भी मैंने अच्छे से डेफिनेशन लिखे हैं, जो भी मैंने लिखे हैं वो सब, चलिए तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। सो दैट द अमाउंट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, तो देख सकते हो ये तो मैंने अभी बताया था। देन द टोटल इंटरेस्ट ओवर द इंटरवल्स, तो हर इंटरेस्ट जैसे कि ये इंटरेस्ट आई वन, ये इंटरेस्ट आई टू, इसका मतलब इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 1000 प्लस 1100, इसका मतलब ये हो गया 2100। तो टोटल इंटरेस्ट को 2100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं,
जबकि यहाँ पे उसको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा था, बस 2000, तो यहाँ पे 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़े, ठीक है। इज कैलकुलेट इन दिस वे इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट ये जो भी आ रहा है फाइनल अमाउंट, ये ए लिख दो इसको चाहिए तो, और माइनस प्रिंसिपल। तो देखो 12,100 माइनस 10,000 विच इज 2,100। तो यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती, ठीक है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम चाहिए तो इसको I1 प्लस I2 भी कर सकते हो, या फिर जो फाइनल अमाउंट आ रही है A2 माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा P, उससे भी दोनों से सेम ही आंसर आएगा। देखो I1 प्लस I2 इन दोनों को ऐड करोगे तो भी रुपीज 2,100 आएगा, और फाइनल अमाउंट 12,100 माइनस 10,000 करोगे तो भी 2,100 आएगा। तो ये भी चलेगा, या फिर दोनों इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो भी चलेगा। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं फॉर्मुलेस के साथ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं, देखो देख के डरना मत बिल्कुल, मैं तुम लोगों से एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि ये फॉर्मुलेज कैसे आए हैं, ठीक है। तो फॉर्मुलेज का इंपॉर्टेंस तो तुम लोगों को समझाई दिया था मैंने कि फॉर्मुलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर फॉर्मुलेज नहीं होते तो तुम्हें 10 केसेस 20 केसेस हो सकता है 50 केसेस बनाने पड़ सकते हैं, तो वो सब अगर उसको अवॉइड करने के लिए ये जो मैंने कुछ फॉर्मुलेज लिखे हैं इनका यूज करना है। तो सबसे पहले देखो मैंने हेडिंग डाल दिया रेट कंपोनेंट एनुअल ईयर हाफ ईयरली, तो जो भी फॉर्मुलेज है वो सब एनुअल ईयर हाफ ईयरली के लिए है। तुम चाहिए तो ये सब एक्सट्रापोलेट करके, मतलब उसको बाकी फॉर्मुलेज यानी क्वार्टरली भी अगर तुम्हें चाहिए होगा तो तुम वो खुद भी डिसाइड कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं रहेगा वो। देखो जैसे कि अमाउंट वन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो जब इंटरेस्ट हमारे पास प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का मतलब कि पर ईयर हर साल उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मिल रहा है, और एन इज द टाइम पीरियड, तो एन जो है वो टाइम पीरियड है कितने टाइम तक जा रहा है। तो उसके लिए जो अगर अमाउंट निकालोगे टोटल तो वो रह जाएगा ये। चलो जैसे कि देखते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में अगर तुम निकालोगे इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कितना आएगा, पीआरटी बाय 100, तो पी इंटू आर इंटू फर्स्ट ईयर के लिए टाइम एनुअली कंपाउंड कर रहे, तो टाइम तो वन ही रहने वाला है, ठीक है, टाइम पीरियड तो वन ही रहेगा इसके लिए, तो पीआर बाय 100 ये रहने वाला हमारे पास। और अगर अमाउंट कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ईयर का तो वो हो जाएगा पी प्लस पीआर बाय 100, दैट इज देख सकते हो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वन, तो ये बन जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी कॉमन 1 प्लस आर बाय 100। अब यही तुम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में देखो क्या होगा, वापिस से टाइम एक ही साल का है, कंपाउंड एनुअली कर रहे तो टाइम पीरियड वन लेना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करोगे तो वो अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो ए वाला प्रिंसिपल बन जाएगा। तुम जी तो लिख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू P2 बोल देते हो यहाँ पे क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल है, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100, तो ये प्रिंसिपल बन गया। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट I2 निकालते हैं, तो I2 क्या हो जाएगा, P2 इंटू आर, और टाइम पीरियड तो वन ही है, अपॉन 100, तो ये बन जाएगा I2 क्या, अगर क्या देखते हो तो ये बन जाएगा P2 तो ये है और एक और आर आ जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 अपॉन आर बाय 100, ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। और अगर सेकेंड ईयर में अमाउंट भी कैलकुलेट करते हो तो P प्लस ये पूरा अमाउंट आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू आर बाय 100। अब देख सकते हो तुम लोग एक चीज कि यहाँ पे ये तो इंटरेस्ट हो गया हमारे पास, ये अच्छे से प्रॉपर वे से लिया गया, देख लो एक बार, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल ये हो गया इंटरेस्ट P2 की जगह ये पूरा पुट कर दिया, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100, रेट आर बाय 100 वो भी लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से लिख दिया मैंने। अब इसका प्रिंसिपल, अच्छा इसका प्रिंसिपल मैंने गलत लिखा है, तो ए टू का प्रिंसिपल अगर देखोगे तो ये प्रिंसिपल है इस केस में, तो पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 में तुम्हें ये वापस से ये वाला ऐड करना पड़ेगा, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ए टू की वैल्यू देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 वापिस से कॉमन, तो बचा क्या, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू, अब ये बचा के देखो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा टर्म कॉमन लिया, और यहाँ पे आर बाय 100 बचेगा, तो देख सकते हैं एग्जैक्टली फॉर्मूला की तरफ मैं ले जा रहा हूं उसको, 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। तो देखते जाओ A1 जो है अमाउंट 1 वो P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 आया, A2 जो है अमाउंट 2 यानी सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर निकालते जाओगे ऐसे ही A3 अगर निकालोगे तो P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब आएगा, एंड सिमिलरली अगर फाइनल अमाउंट निकालोगे आफ्टर एन ईयर्स, तो देखो यहाँ पे A2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब, A4 है तो पावर 4, और अगर एन साल की बात की करने वाले कर रहे हो
तो a इंटू पी प्लस आर पी इंटू एट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 की पावर n, जो कि अपना फाइनल अमाउंट वही दिया है देखो। तो इस तरीके से अगर n केसेस बना के पूरा अमाउंट निकालते हो तो तुम्हारा ये फॉर्मूला है। यहाँ पे p प्रिंसिपल, जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो है, r जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि हर साल कितना रेट है, और n जो है यहाँ पे पावर में जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो हर बार 1 प्लस आर बाय 100 मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है a3। तो सिमिलरली ए एन आफ्टर एन ईयर यानी nth ईयर के एंड में तो ये पावर n हो जाएगा, इसलिए ये पावर n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे PRT बाय 100 यूज मत करना, ये फाइनल अमाउंट इस तरीके से है। और तुम्हें अगर इसमें से अगर तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो तुम क्या करो, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट या फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है इनिशियल प्रिंसिपल वो निकाल सकते हो। तुम्हें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा क्योंकि टोटल जितने भी सालों में जितना भी इंटरेस्ट आया है उन सबका एडिशन जो आएगा वो। ठीक है, यानी कि ये अमाउंट जो है माइनस ये जो प्रिंसिपल जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। तो इस तरीके से ये तो मैंने इसको डेरिवेशन किया है प्रॉपर वे से। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इसको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं भी लिखना है तो कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, सीधा इतना भी लिखोगे फॉर्मूला याद भी करोगे तो मोर देन इनफ है। तो देखो ये तो कंपाउंडेड एनुअली हो गया, अब क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में तुम्हें तो दो चीजें नोट करने लायक है। हाफ ईयरली अगर है तो तुम्हारे पास कितने केसेस बनने वाले हैं। सपोज तुम्हारा देखो टाइम जो है वो एन टाइम पीरियड है, देखो एन इज द टाइम पीरियड यानी एन ईयर्स की बात कर रहे हैं, एन ईयर्स। ठीक है, और हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल अपना कितनी बार केसेस बनने वाला है। तो सोचो कि हर साल में दो हाफ ईयर होंगे, ठीक है, और अगर एन साल की बात की जाए तो टू एन हाफ ईयर रहेंगे, तो तुम्हारे टोटल टू इंटू एन यानी टू एन केसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल में दो हाफ ईयर है, एन ईयर्स में टोटल टू एंड हाफ ईयर्स रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो पावर में जो आएगा यहाँ पे एन था, एन क्यों था, क्योंकि एन केसेस बन रहे थे। यहाँ पे पावर में टू एन आएगा, क्यों टू एन आएगा, क्योंकि टू एन केसेस बनेंगे। क्यों टू एन, क्योंकि टू एन इज द नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। हाफ ईयर्स क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। अगर यहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंड करना है तो यहाँ पे फोर एन हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर मतलब चार, क्वार्टर ऑफ ईयर मतलब हर साल में चार केसेस बनेंगे, और टोटल अगर एन ईयर्स है तो फोर इंटू एन टोटल क्वार्टर ईयर्स बनेंगे। तो अगर तुम्हें क्वार्टर ईयर्स की बात करना है तो यहाँ पे फोर एन करना पड़ेगा, और अगर हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो थ्री एन करना पड़ेगा, मतलब हाफ ईयर की बात करें तो टू एन करना पड़ेगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी तुम्हें हाफ ईयरली रेट के हिसाब से लेना पड़ेगा। देखो मैंने कहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम, पर एनम मतलब एनुअली होता है। तो अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ, अगर एक केस जो ले रहे हो वो पहला हाफ ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो लोगे वो आर नहीं ले सकते हैं, उसको आर बाय टू लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा हो जाएगा रेट। क्योंकि रेट जो होता है आर वो पूरे साल भर का रहता है कि पूरे साल भर का कितना रेट लगने वाला है। तो अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, आर बाय टू हो जाएगा। आर बाय टू इज द हाफ ईयरली रेट। अगर क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे थे तो आर बाय फोर हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी R था उसको बस रिप्लेस करना है तुम्हें R बाय टू से। यहाँ पे N था, यहाँ पे कितने केस बन रहे तो 2N से रिप्लेस करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चाहिए तो मैं क्वार्टरली के लिए भी लिख सकता हूँ। होपफुली मैंने क्लियर कर दिया ये चीज। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है हाफ ईयरली में, कि यहाँ पे टोटल केसेस 2N बनने वाला है, तो यहाँ पे पावर में 2N आ जाएगा, कि यहाँ पे बार बार 2N के पावर में जाएगा। इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, तुम समझ जाना। और यहाँ पे R बाय 100 था, तो R की जगह बस रिप्लेस कर देना R बाय 2, यानी वो हाफ ईयरली रेट है। सिमिलरली अगर मैं देखो एक और लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, तुम लोग खुद भी सोच सकते हो, अमाउंट वेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब वन फोर्थ ऑफ अ ईयर, क्वार्टरली लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर क्वार्टरली की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, पी तो वही रहने वाला है प्रिंसिपल, वन प्लस आर रेट। अब क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली के लिए आर बाय टू था, तो क्वार्टरली यानी चार हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब चार केसेस आएंगे, इसका मतलब हर क्वार्टरली आर बाय फोर रहेगा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, फिर उसके सोचो ये चीज कि एन एन अगर सपोज एन टाइम पीरियड है, एन ईयर्स का टाइम पीरियड दिया है और क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्वार्टरली में क्या होगा तुम्हारे पास, अगर एन की वैल्यू सपोज तीन साल है तो क्वार्टर ऑफ अ ईयर, तो क्वार्टर मतलब वन फोर्थ ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो वन फोर्थ ऑफ अ ईयर इसका मतलब पहले तीन महीने, फिर दूसरे छह महीने मतलब नेक्स्ट थ्री मंथ्स, फिर नेक्स्ट थ्री मंथ्स और फिर नेक्स्ट थ्री मंथ्स, वैसे तीन 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 करके से चार केसेस बन जाएंगे और टोटल एक साल का काम हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा एक साल चार हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो रहा है,
और चार हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रेट हो जाएगा आर बाय टू, तो इसलिए यहाँ पे आर बाय 400 हो गया। और नंबर ऑफ ईयर्स एन है, और हर एक साल को चार केसेस लग रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने केसेस आएंगे, तो टोटल 4 × n यानी 4n ईयर्स हो जाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे वेब पीस प्रिंसिपल, वही सेम चीज ऊपर से छाप रहा हूं, आर बाय 4 इज क्वार्टरली रेट, ठीक है, क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, एंड 4n इज द नंबर ऑफ क्वार्टर ईयर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर ईयर्स, क्वार्टर ईयर मतलब कि कितने 1/4 ईयर्स कितने हैं, तो साल में टोटल चार बार 1/4 ईयर होते हैं, मतलब बेसिकली फर्स्ट थ्री मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, और लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ऐसे तीन तीन करके ऐसे टोटल चार केसेस बनने वाले हैं। तो साल में ऐसे चार क्वार्टर्स रहते हैं, और चार क्वार्टर मतलब तुम्हारे पास 4n n ईयर्स में 4n क्वार्टर ईयर्स रहेंगे। यहाँ पे तुम देख सकते हो n ईयर्स इज द टाइम पीरियड, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया है n ईयर्स, तो n ईयर्स इज द टाइम पीरियड, टीपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, तुम पूरा लिख लेना अच्छे से। तो ये फॉर्मूले है, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, p इंटू 1 प्लस आर बाय 200 की पावर 2n, p इंटू 1 प्लस आर बाय 400 की पावर 4n, ये हाफ ईयरली, ये क्वार्टरली। तो ऐसे मैंने यहाँ पे तीन फॉर्मूले बताए, तीनों को याद रखो, पहला याद रखोगे तो बाकी दोनों भी केसेस याद रख लेना अच्छे से। बस यहाँ पे शिफ्ट चेंज क्या करना है, तो यहाँ पे r की जगह r बाय 2 हाफ ईयरली, और n की जगह 2n, यहाँ पे r की जगह r बाय 4 और n की जगह 4n, तो बस इतना याद रखो। फिर मैंने यहाँ पे कुछ एक नोट वर्थी पॉइंट्स लिखे हैं, पहला वाला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, p प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, r परसेंट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, साल का मतलब एट द एंड ऑफ वन ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अमाउंट ए एंड द कंपाउंडेड, तो अमाउंट तो हम लोग को पता ही है, ये हमने निकाला है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है इसको माइनस पी करो, तो दोनों में से पी कॉमन आ जाएगा, देखो अगर इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं पी, तो पी कॉमन आ जाएगा और बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो टर्म माइनस पी कॉमन आ गया, तो बचेगा वहां पे वन। तो इस तरीके से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर मैं कंपाउंड करता हूं एनुअली। सिमिलरली अगर कंपाउंड, अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड के टाइम्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, के टाइम्स है ना, यहाँ पे कितनी बार किया, दो बार, यहाँ पे कितनी बार कंपाउंड किया, चार बार। सपोज यहाँ पे तुम लोग को अगर के बार कंपाउंड करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे हाफ ईयरली, मतलब दो बार कंपाउंड कर रहे हैं, इसका मतलब आर बाय टू हो जाएगा, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, आर बाय के, क्योंकि के टाइम कंपाउंड कर रहे हैं एक साल में, हो सकता है वो दो बार कंपाउंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो छह बार कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है, छह बार मतलब दो दो के मंथ्स, छह बार ऐसे कंपाउंड कर रहे हैं, तो जो भी होना है होने दो, बस तुम्हें याद रखना है कि रेट डिवाइड हो जाएगा जितनी बार भी कंपाउंड करोगे, तो अगर के टाइम कंपाउंड कर रहे हो तो रेट हो जाएगा आर बाय के, और बाकी तो वही एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है, बस आर की जगह आर बाय के। एंड सिमिलरली एक और, कि अगर एन ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब के टाइम्स कंपाउंड कर रहे हैं, तो एक साल में के टाइम हो रहा है, तो एन ईयर्स में एन इंटू के यानी एन के हो जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे एन, टू एन, फोर एन, चार बार कंपाउंड कर रहे हैं, दो बार कंपाउंड कर रहे हैं, अगर के बार कंपाउंड कर रहे हैं तो एन के। एंड सिमिलरली अगर अमाउंट आ गया है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो फॉर्मूला है उसी का यूज किया और पी को कॉमन दे दिया। कई बार क्या होता है, कई बार ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार फिक्स नहीं रहता है, कई बार सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो अलग हो, जैसे कि आर वन पहले साल के लिए, आर टू सेकेंड ईयर के लिए, आर थ्री थर्ड ईयर के लिए, एंड ऐसे जाते रह रहा है, और nth जो n लास्ट ईयर है अपना उसके लिए आर एन परसेंट है, हो सकता है हर साल रेट ऑफ परसेंट जो भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अलग अलग हो, और होता भी है किसी किसी बैंक में कि हर साल कुछ ना कुछ तो रेट थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होता रहता है, कभी 7.5 हो, कभी 7.7 हो, तो ये सब अलग अलग हो सकते हैं, तो उस केस में भी टेंशन नहीं लेना है कि हर बार ये जो p है वो तो लिख दो, और हर बार 1 प्लस ये जो r बाय 100 है उसमें बस ये पावर n नहीं आएगा। देखो पावर n आने का मतलब क्या है कि 1 प्लस r बाय 100, फिर वापस से 1 प्लस r बाय 100, फिर वापस से 1 प्लस r बाय 100 ऐसे आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या देखो सीधा अलग अलग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, और n एट द एंड ऑफ n ईयर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पहले अमाउंट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल ये पहले साल के एंड में, फिर उसको वापस से मल्टीप्लाई करो दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, अब ये 1 प्लस आर एन बाय 100 ऐसे सब कुछ एक एक करके मल्टीप्लाई करो, और जो टोटल जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो अपना टोटल अमाउंट रहेगा एट द एंड ऑफ nth ईयर, तो nth साल के एंड में ये अपना टोटल अमाउंट हो जाएगा।
कि इतना अमाउंट तुम्हें भरना है। एंड सिमिलरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए तुम क्या करो, ये टोटल अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल को, तो इसमें से अगर माइनस करोगे पी तो पी कॉमन आ जाएगा और बचेगा ये सबका प्रोडक्ट, देख सकते हो यहां से लेके यहां तक, और एक माइनस वन आ जाएगा क्योंकि मैंने पी सब में से कॉमन ले लिया है। तो ये तरीके हैं, ये मैंने फॉर्मुलेस लिखे हैं सारे के सारे, तुम इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो, इतना समझो पहले डेप्थ तक। मैं आज कुछ इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं सीधा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चंस कराना, आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इसको पहले डेप्थ तक समझो। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा एंड ऑफकोर्स मैं जो मैंने बताया था रियल लाइफ एप्लीकेशंस उस पर भी और भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास अपना इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास रहने वाला है, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना अच्छे समझो जो भी मैंने बताया है, और अगर कोई डिफिकल्टी कोई भी छोटी छोटी से छोटी चीज अगर कुछ दिक्कत जा रही है समझने में तो तुम लोग पूछो मेरे से, मैं तुम्हें हेल्प आउट करूंगा कुछ ना कुछ। चलो फिर आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।